बीएमसी इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसके वार्ड में कुछ न कुछ बदलाव हो। अगर हम बात करें वार्ड क्रमांक 66 की, तो वहां पर भी एक नई उम्मीद की किरण बनकर आए हैं आरिफ शेख, जो एमआईएम के टिकट पर इस बार जनता के बीच उतरे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव है, बीएमसी का इलेक्शन है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि ये लेडीज़ वार्ड हो चुका है और यहाँ से मेरी वाइफ कॉन्टेस्ट कर रही है। इलाके में मुद्दा बीएमसी का जो होता है वो 4 से 5 मुद्दे पे इलेक्शन होता है। सब में पहला मुद्दा आता है कि हमारे बच्चों की शिक्षा का। आज शिक्षा के नाम पे जो वार्ड नंबर 66 में जितनी स्कूल है, सब में पहला गिलबर्ट हिल स्कूल को ले लो आप। हर बार यहाँ पर जो नगर सेवक इलेक्शन लड़ते हैं पार्टी के, यहाँ पर गेट के सामने लगे एक बिल्डिंग की फ़ोटो लगा देते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि भाई देखो इस तरीके से ये स्कूल बनने वाली है। लेकिन आज कई साल बीत गए, ना तो स्कूल बनी। स्कूल बनना तो छोड़ दो, यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो बैठते हैं उनके लिए बेंच तक नहीं है। ऐसा लगता है ये स्कूल बम्बई शहर में नहीं, ये कोई गांव खेड़े में है। गांव खेड़े की स्कूल भी अच्छी होगी। अगर गिलबर्ट हिल स्कूल का आप हाल देखेंगे तो वहाँ पर चूहे लोग ने अंदर खोद के रखा हुआ है। बच्चों के लिए टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं है, बहुत कम क्लास में कुर्सी है। पहले 750-800 बच्चों से ज़्यादा इसमें पढ़ा करते थे, आज की तारीख में जो है 250-300 बच्चे इस पर जो है ना कोई नगर सेवक ध्यान देता है और ना कोई दूसरे लीडर लोग। आज आपको दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आज ये स्कूल की जगह इतनी बड़ी है कि अगर एमआईएम यहाँ से जीत के आती है तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि ये स्कूल जो है कम से कम 12वीं तक बन जावे, ताकि हमारे इलाके के जो बच्चे हैं यहाँ पर से भी इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकों के मैनेजर बन के बच्चे निकले और यहाँ के बच्चे तरक्की करें। क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी है आज की तारीख में कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो खुद अपना घर भी संभाल लेगा और अपने इलाके को भी संभाल लेगा, कोई लीडर का मोहताज नहीं रहेगा। अगर हम शिक्षा की बात समझते हैं तो शिक्षा से ही जिंदगी का विकास हो सकता है, हर कोई आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम बुनियादी समस्याओं की बात करें, पानी की बात करें, सड़क की बात करें, अस्पतालों की बात करें, तो यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं जिसको आप ठीक करना चाहेंगे? आज अस्पताल की बात आप जो कर रहे हो, तो हमको कूपर हॉस्पिटल जब जूना पुराना था तो वहाँ पर बड़े से बड़ा इलाज हो जाता था। वहाँ पर जब हमारी माँ बहनें दवा लेने जाती थी तो उनको दवा भी मिलती थी और बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो जाता था। लेकिन फिलहाल में कूपर हॉस्पिटल की स्थिति जो हमको बोला गया था कि भाई इसको तोड़ के हम लोग नया बनाएंगे और कुछ 250-300 इसमें आईसीयू बेड रहेंगे और कुछ यानी कुछ फिगर था जिसमें जो है दूसरे बेड, जनरल बेड भी रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में कूपर हॉस्पिटल का जो माहौल है, कुछ बड़ी बीमारी आदमी लेके जाओ तो वहाँ से ये बोला जाता है कि भाई नायर हॉस्पिटल जाओ, केम हॉस्पिटल जाओ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं है। गरीब लोग दवा के लिए परेशान है, वहाँ पर बाहर की दवाई लिख के दे दी जाती है। आज अगर किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो वहाँ पर जो है ये बोला जाता है भाई बाहर से प्लास्टर खरीद के लेके आओ। तो बीएमसी हॉस्पिटल में, ये बीएमसी हॉस्पिटल में किस तरीके की सुविधा इन लोग दे रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सुविधा तो प्राइवेट में भी मिलती है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे इलाके में जो बीएमसी हॉस्पिटल हो उसमें हमारे गरीब भाई बहनों का इलाज जो है पूरा का पूरा फ्री में हो, हमारा हक हमको मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल में जो है ये इलाके का हक इलाके वालों को नहीं मिल रहा है। आपकी पार्टी की अपनी एक छवि है, ओवैसी साहब दंके की चोट पर जो चाहते हैं बोलते हैं। आपको लगता है कि आप जो बोलेंगे उसका असर जनता पर होगा? क्योंकि हमने अक्सर महसूस किया है कि जनता के अंदर भी एक निराशा आ गई है कि वोट दे तो क्यों दें, क्योंकि काम नहीं होता। उनकी जो निराशा है उसके लिए भी कुछ सोचेंगे आप? देखिए, निराशा की जो बात है, जनता हमेशा जो वोट देती है वो ये सोच कर देती है कि भाई आदमी काम करेगा। लेकिन ये हमारा इलाका आज यहाँ पर जो है, आज नगर सेवक कई सालों से नगर सेवक को एक पूरा 18 साल का टर्म जो है एक ही नगर सेवक ने निकाला है, जिसमें 5 साल कॉप थे और उसके बाद में दूसरी पार्टियों से नगर सेवक बने हैं। एक 18 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, लेकिन ये पूरे 18 साल के पीरियड में यहाँ पर इलाके में कुछ भी काम नहीं हुआ है। आज भी यहाँ पर पानी की समस्या है, आज भी यहाँ पर हमारे पास शौचालय की समस्या है, आज भी बहुत सी ऐसी समस्या है जो बीएमसी से रिलेटेड है। लेकिन क्या करेंगे, किसको बोलने जाएंगे? कोई मिलेगा तो लोग बात करेंगे ना। यहाँ तो ऐसा है कि 6 महीने में एक बार दूर से सलाम करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि हाँ भाई देखो मैं चल रहा हूँ। पूरे 5 साल आदमी को जीतने के बाद काम करना चाहिए, लेकिन हमारे इलाके में काम जो होता है वो लास्ट के 2 महीने में होता है। ये नहीं समझ में आता है कि बीएमसी का फंड बाकी 5 साल जाता किधर है। अगर काम लास्ट के 2 महीने में हो सकता है तो पूरे 5 साल क्यों नहीं हो सकता है?
चलते चलते उन लोगों को क्या कहेंगे जो वोट देने घर से नहीं निकलते? देखिए, ये वोट जो है आपका बहुत बड़ा अधिकार है। मैं ये कोशिश करूंगा और आपसे ये निवेदन करूंगा सारे लोगों से, क्या अपने घर से पूरे के पूरे 100% लोगों को बाहर निकालिए और सबको वोट देने के लिए वो कीजिए, क्योंकि वोट जो है वो ही परिवर्तन ला सकता है। नहीं तो फिर से हमारा इलाका जो है वो किसी ऐसे आदमी के हाथ में लग जाएगा जो इलाके में कुछ काम नहीं करना जानता है। ये लोग सिर्फ लोगों को फ़ोन करके ये आजकल पूछना चालू कर दिए, क्या आपा बोलो क्या चाहिए, भाई बोलो क्या चाहिए। इनका मतलब ये है कि आप बोलो क्या भाई कितने हजार में मैं आपके इलाके को बर्बाद करूँ, 2000 में, 5000 में या 10000 में। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आरिफ भाई ने कहा कि 18 साल हो गए हैं, लेकिन जब समस्याएं जो है वो जस की तस खड़ी है। लेकिन 18 साल का मतलब इस देश में होता है एडल्ट होना, यानी बच्चा बालिग हो जाता है, और समस्याएं जब बालिग हो जाती हैं तब उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर बदलाव होगा। और जब इस तरह के नेता फील्ड में आते हैं तो जनता के बीच भी एक संदेश जाता है कि बदलाव के लिए एक ऑप्शन है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन24 न्यूज़, मुंबई।